Hi, this is me, Anum Goher, and today I am here in Zabardast A-list salon. And Mani Ji, our hair expert, has thought something very interesting for me. I don't know well what a surprise is, but I am very much excited. So, let's do one thing without waiting for you. Let's go inside. Let's find it out what she has for me. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिफ है। एलिस सैलून जो कि डीएचए में वाकई है, मैं उसका टॉप स्टाइलिस्ट हूँ। आज हमारे पास हमारी फेवरेट क्लाइंट अनम आ रही हैं, जिनके लिए हमने कुछ सरप्राइज सोच के रखा है, जिसके बारे में बताएंगी मानी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मानी। मैं फीमेल सीनियर स्टाइलिस्ट हूँ, जो कि हम आज अनम के कलर के बारे में बात कर रहे थे। आज हम उनका कलर करेंगे, ओलिविया का हेयर कलर बरगंडी है, जो कि हम उनका सरप्राइज कलर करेंगे। अनम हमारा वेट कर रही है, अनम से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मानी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा तो मानी, आपने जो मेरे लिए इतना सारा सरप्राइज प्लान किया हुआ है, आपने मुझे कब से क्यूरियोसिटी में रखा हुआ है, तो जरा मुझे ये बताएं कि आपने मेरे बालों के लिए क्या डिसाइड किया है? हेयर कलर तो मैं अभी नहीं बताऊंगी, बट आपके लिए सरप्राइज है कि मैं आपको कौन सा हेयर कलर दूंगी, बट ये बताऊंगी कि मैं आपके बालों पे ओलिविया का हेयर कलर यूज करूंगी। ओलिविया? जी। लेकिन ओलिविया क्यों? क्योंकि मार्केट में बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स हैं, और भी ब्रांड्स हैं, लेकिन आपने ओलिविया ही चूज किया, ये क्यों? इसलिए क्योंकि इसके चार रीजंस हैं। फर्स्ट है क्वालिटी। ओलिविया एक वाही लोकल ब्रांड है जो कि इंटरनेशनल क्वालिटी को मीट करता है। और इसका दूसरा रीजन, ये 100% हलाल। ये हलाल सर्टिफाइड है? जी हाँ। ओह दैट्स ग्रेट। अच्छा तो क्या ये लोकली हर जगह मिल जाएगा आराम से? ये इजीली हर जगह से मिल सकता है। ये दराज पे इनका ऑफिशियल अपना स्टोर है, जो कि आप घर बैठे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। आखिरी बात ये है कि इसके प्राइस ऐसे हैं कि आप इजीली मेंटेन कर सकते हैं अपने बालों को। अरे वाह जबरदस्त, ये तो आपने काम आसान कर दिया मेरा। चले अब तो आप मेरा इंतजार खत्म कर दें और मुझे बता दें कि आपने जो सरप्राइज प्लान किया उसमें आपने मेरे लिए कौन सा हेयर कलर चूज किया। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। आपके लिए जो मैंने कलर चूज किया है वो है ओलिविया का बरगंडी कलर। ओह जो कि आपके फेस पे भी अच्छा लगेगा, और अभी ये काफी ट्रेंड में भी है। अच्छा आपको पता है मैं आजकल देख रही हूँ काफी बरगंडी इन फैशन ट्रेंड में भी, और वैसे मैं कुछ ना डिफरेंट सा कलर ट्राई करना चाहती हूँ। मतलब बरगंडी काफी एक्सपेरिमेंटल कलर है, और जैसे कि आप बता रही हैं क्योंकि आप हेयर एक्सपर्ट हैं कि मेरे बालों पे ये कलर सूट करेगा, बिकॉज मेरा कॉम्प्लेक्शन भी बहुत अच्छा है, तो आपने उसके हिसाब से जो मेरे लिए बरगंडी कलर चूज किया है, आई थिंक आई एम इन लव विद दिस कलर। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि ओलिविया में और भी शेड्स मौजूद हैं? जी हाँ, हमारे पास ये ओलिविया के 12 हेयर कलर हैं, जिसमें से 4 हमारे पास जो हैं वो नेचुरल हैं, और 8 जो हैं हमारे पास फैशन कलर हैं। और आप आज जो आपका करेंगे वो 08 बरगंडी आपका करेंगे, जो कि फैशन शेड में आता है। ऑलरेडी पहले भी कलर हुआ है आपके बालों में, तो इससे कलर करने से पहले हम कट डाउन करेंगे ताकि इवन टोन आपके बालों की आ जाए। ठीक है, मतलब विदाउट कट डाउन? विदाउट कट डाउन नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले आपका कलर हो चुका है, तो इसको हम कट डाउन करके फिर ये करेंगे। चलें ठीक है, अब हम चलते हैं अपना हेयर कलर करना। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि कट डाउन इतना जरूरी क्यों है, मतलब इसके बगैर हम कलर क्यों नहीं कर सकते? फैशन कलर्स जब भी इस्तेमाल करते हैं इसके लिए प्री लाइट या कट डाउन करना ज़रूरी होता है, ताकि वो शेड जो डिज़ायर शेड है वो हमें नज़र आए। अच्छा एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है, मैंने देखा है कि बाज़ ख़वातीन जो होती हैं वो घर पे कट डाउन करने की कोशिश कर रही होती हैं कि वो टाइम बचा रही होती हैं, हम पार्लर सैलून ना जाएं, लेकिन उससे क्या होता है कि 100% रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते, इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे अनम रीज़न ये है कि क्योंकि ये घर पर नहीं करना चाहिए, इसमें एक टेक्निकल होना बहुत ज़रूरी होता है। आम ख़वातीन जो घर में करती हैं उनको ये नहीं पता होता कि प्री लाइट में कितना शेड डाउन करना है या पिगमेंट कितना डाउन करना है। डिज़ायर जो कलर है रिक्वायर्ड के लिए आपके, एक तो हिना ट्रीटेड जो बहुत ज़्यादा फीमेल्स हिना यूज़ करती हैं, या केमिकली ट्रीटेड बाल ना हो, क्योंकि ओलिविया में जो डिज़ायर आपको शेड चाहिए, तो इसके लिए कुछ ये भी चीज़ें ज़रूरी हैं कि आप ये देखें कि आपके हेयर्स इतने ज़्यादा ट्रीटेड ना हो, ताकि अच्छा। एक अच्छा जो ओलिविया का आपको कलर चाहिए वो आ सके। बेस कलर में ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फैशन कलर्स में इसकी ज़रूरत होती है, हिना ट्रीटेड हेयर्स ना हो। और प्रिफर बार बार हम यही करते हैं कि आप खुद घर में ना करें,
इसको अच्छे प्रोफेशनल से आप एक्सपर्ट से काम है तो घर में आप ट्राई करेंगे तो 100% रिजल्ट्स कैसे आ सकते हैं, डैमेजेस भी होते हैं साथ में। एग्जैक्टली अनम, हमारा जो रिजल्ट था ऑलरेडी आ चुका है कट डाउन से, अब हम इसको यूज करेंगे ओलिविया का 08 बर्गंडी कलर। तो अब हम हमारे फाइनल प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं बर्गंडी। चलिए जी, लेट्स गो। अच्छा एक बात बताएं मुझे, ये आपने मेरे बाल ड्राई क्यों किए? हम कलर को गीले बालों में अप्लाई नहीं कर सकते? हाँ अनम, ये ज़रूरी होता है कि आपकी हेयर्स टोटली ड्राई हों ताकि जब पिगमेंट बालों में होता है वो ड्राई हो जाता है और कलर पेनिट्रेट कर जाता है हेयर्स में। तो बेस्ट रिजल्ट्स के लिए ज़रूरी कि हम बाल ड्राई करें कलर? बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बाल ड्राई हों। अनम, आपको याद होगा कि आपको 2 दिन पहले हमने बुलाया था? जी बिल्कुल मुझे याद है। अच्छा, उसका रीज़न ये था अनम, क्योंकि कलर करने से पहले एक पैच टेस्ट लिया जाता है जो कि अमूमन आपके कान के पीछे या आपके एंकल्स पर, ताकि 48 आवर्स का टेस्ट हो जाए, कोई एलर्जी वगैरह ना हो कलर से, इस वजह से लेते हैं। अगर ये है तो आप अवॉइड करें, अगर नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं नज़र आ रहे, तो आप बेशक ओलिविया कलर शॉप से इस्तेमाल करें और अच्छे रिजल्ट आएंगे। ओके, नाउ आई गॉट इट, आपने मुझे 2 दिन पहले इस टेस्ट के लिए बुलाया था। वैसे देखा जाए तो एक तरह से ये ज़रूरी भी है कि पता चल जाए आपकी स्किन सेंसिटिव तो नहीं है, और ये जो टेस्ट उससे पता चल जाता है आपको सूट कर रहा है या नहीं। और ये ज़रूरी भी होता है अनम कि जो भी कलर्स आप यूज़ कर रहे हों उसका ज़रूरी है कि आप एक टेस्ट ज़रूर करें, ताकि कोई भी एलर्जी वगैरह हो तो वो ना हो और बिल्कुल आप सिक्योर और सेफ हैं। बेसिकली कलर का स्टेन ना आए तो पेट्रोलियम जेली या कुछ इस टाइप की क्रीम्स यूज़ करते हैं ताकि स्टेन ना आए, लेकिन इस वक्त मैं ये ओलिविया का मॉइस्चर यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपकी स्किन में मॉइस्चर भी रहेगा और सेफ भी रहेगा, क्योंकि बाजू का तो कलर लगाते मैंने देखे स्टेन आ जाता है, बेज भी लग जाते हैं स्कैल्प पे, गर्दन पे, सो इससे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अनम, अब हमने आपके हेयर्स को 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है जी। इसका रीज़न ये है कि कलर बहुत अच्छा है, रिजल्ट अच्छा है, क्योंकि जितने जितने हम इसके सेक्शंस करेंगे कलर उतना अच्छा डेवलप हो जाता है। अब अनम, हम कलर अप्लाई कर रहे हैं जो कि हमारे डिज़ायर शेड था। अब ये हमने कलर पूरा अप्लाई कर चुके हैं, इसका ड्यूरेशन 30 मिनट्स होता है। ओके, और उसके बाद फिर हम कलर वॉश करेंगे। कुछ डिफरेंट फील हो रहा है इसमें? एक चीज़ है जो मुझे डिफरेंट फील हो रही है, अमूमन जो मैं हेयर कलर करवाती हूँ उनकी बड़ी एक स्ट्रॉन्ग सी स्मेल होती है जो कि इरिटेट कर रही होती है, लेकिन इस कलर में नहीं, उल्टा मुझे एक बड़ी प्यारी रिफ्रेशिंग सी प्लेजेंट सी खुशबू आ रही है, इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे वजह ये फ्लावर की फ्रेग्रेंस है, इस वजह से आपको इतनी अच्छी खुशबू और प्लेजेंट। हाँ, बहुत प्लेजेंट सी स्मेल है, व्हिच इज वेरी लवली। ओह माय गॉड मानी, आई एब्सोल्युटली लव दिस कलर, जस्ट लुक एट दिस, मैं कितनी अच्छी लग रही है इस हेयर कलर के बाद, और मैंने इतना एक्सपेरिमेंटल कलर आज से पहले कभी ट्राई नहीं किया। थैंक यू सो मच मानी, मेरे लिए ये बर्गंडी कलर चूज करने के लिए, ये मेरे कॉम्प्लेक्शन में बहुत सूट कर रहा है, एंड इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, हेयर्स आप मैं इतने सॉफ्ट स्मूथ एंड सिल्की हो रहे हैं, प्लस ये मुझ पर सूट बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो मैं आप दोनों हेयर एक्सपर्ट्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे लिए इतना अच्छा कलर आप लोगों ने पहले से चूज़ किया, और आपने अच्छे तरीके से इसको निभाया है कि मुझे कहीं से कोई जलन नहीं हो रही, कहीं से इचिंग नहीं हो रही, कलर बहुत अच्छा आया है और हेयर्स मेरे एकदम परफेक्ट लग रहे हैं। सो थैंक यू टू बोथ ऑफ यू हेयर एक्सपर्ट्स। थैंक यू। और बताएं, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ, ये मेरा हेयर कलर कितना टाइम तक स्टे करेगा मेरे बालों पे? अनम जी, वैसे कलर्स लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, 4 वीक्स के बाद आप दोबारा एक एप्लीकेशन दे दो तो ये और लॉन्ग टाइम ही चलते रहेंगे, और थोड़ा थोड़ा मेरा फेड भी तो होगा हेयर वॉश के साथ। इसी वजह से कहते हैं कि आप 4 वीक्स के बाद ये दोबारा एक हल्का सा टचअप कर लें ताकि वो सेम कलर ही रहे। ठीक है, सब मैं आऊँगी फिर आपके पास 4 वीक के बाद दोबारा कलर। मोस्ट वेलकम मैडम, बिकॉज आई लव दिस कलर और मुझे ये कलर टोन, मुझे कुछ टाइम तक इस कलर को मेंटेन करके रखना है, आई एब्सोल्युटली लव दिस कलर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस। थैंक यू अनम। ओलिविया शुक्रिया।